ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु नानक यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपका पंजाब में है। और इसके जो हैं आपके तीन कैंपस हैं, पहला आपका अमृतसर है, दूसरा आपका जलंधर है और तीसरा आपका राजपुर है। लेकिन जो आपका एम फार्मेसी अवेलेबल है वो आपका सिर्फ अमृतसर में है, जो कि आपका मेन कैंपस है। तो हम डिटेल आज देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसमें जो फार्मास्यूटिकल का डिपार्टमेंट जो है वो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, और जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 25 है। ये आपकी फार्मेसी की NRF रैंकिंग नहीं है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी ओवरऑल रैंकिंग है जो कि आपकी 25 है। जो चार स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर जिनमें आपका मास्टर्स होता है, एक कोलोजी है, एक कोग्नोसी है, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स। इन चार में जो है आपका एम फार्मा होता है, और इन चारों में टोटल सीट मिला के जो हैं वो आपकी 26 है। इन चारों में यानी अगर हम देखें तो टोटल सीटें 26 हैं। पर्टिकुलर किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो टोटल सीट है वो आपकी 26 है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यह आपका फ़ीस का है कि अगर आप फर्स्ट सेम की फ़ीस देखें वो आपकी 70,000 रुपये, 77,000, या आप 78 भी बोल सकते हैं, 78 के ही करीब है। और जो सेकंड सेम की फ़ीस है वो आपकी 54,000 है, यानी 1,31,845 रुपये, यह आपकी पर एनम है। यानी ये एक साल की फ़ीस है, और इसमें आपका जो आपका थर्ड और फोर्थ सेम आपका रहेगा उसका जो है वो फ़ीस अभी पेंडिंग है। वो आई थिंक जो है आपका इसी से चलेगा, यानी 1 लाख के करीब जो है आपका और लग सकता है, तो आप यानी 2.5 लाख के करीब लगा के चल सकते हैं मेनली, जो एक यानी आइडिया आपको है। एप्लीकेशन जो आपकी फ़ीस है, अगर आप एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म तो आउट हुए हुए हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए वो आपका 1200 रुपये, अगर आप दो सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं 1400 रुपये, और अगर आप दो से ज़्यादा में कर रहे हैं तो आपका 1500 रुपये। SC ST अगर एक सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो 600 रुपये, दो में अप्लाई कर रहे हैं 700 रुपये, और तीन में अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपये। इस जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर SC ST के लिए बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ हैं। एक आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी है, तो वो भी आपका एक प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम फॉर्म की डेट्स की बात कर लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो आपके 5 तारीख को हुए हैं, 5-5 को, यानी 5 मई को हुए हैं, और 27 जून तक जो है ये आपके रहेंगे। अब जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर है वो कैसे होगा? जो एडमिशन है वो आपका दो तरीके से हो सकता है, एक GPAT और एक नॉन GPAT। जो GPAT क्वालिफाइड हैं उनको तो फॉर्म भरना है, वो एंट्रेंस दे या ना दें वो उनके ऊपर है, लेकिन नॉन GPAT वालों को जो है एंट्रेंस देना ही पड़ेगा जो ये कंडक्ट कराते हैं। तो जो एंट्रेंस की डेट है वो 6 जुलाई है, और ये एंट्रेंस जो है उसी डिपार्टमेंट में होता है, यानी आपको अमृतसर आके ही ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के जो हेड हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं, तो वहीं अमृतसर में ही होगा, और 2 से 4 आपका ये होता है। और इसका सिलेबस आप देखेंगे जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें सिलेबस दिया हुआ है, बहुत आपका कम सिलेबस है, अराउंड आपके 100 के क्वेश्चन, अराउंड 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी आपका सिलेबस के साथ जो है एक सैम्पल पेपर को इंक्लूड किया गया है, जो ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगा है कि हो सकता है। तो आपका इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये यहीं पर आके 2 से 4 बजे आपका होगा, और आपके फॉर्म अभी ओपन है, तो ये जुलाई में एग्ज़ाम होगा। काउंसलिंग डेट ये आपकी 13 जुलाई से जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या है एडमिशन की, और ये GPAT कैंडिडेट हैं इनमें भी प्रॉब्लम है, एक इशू है। तो जो आपकी जितनी सीटें हैं, मान लेते हैं टोटल सीटें 26 हैं, तो 26 में से जो 80% सीट्स हैं वो रिज़र्व्ड हैं। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ज़्यादा है। रिज़र्व किसके लिए हैं? उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका बी फार्मा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से है, प्लस जिन्होंने GPAT क्वालिफाइड किया। तो आई थिंक मुश्किल है कि आपका 26 स्टूडेंट्स ने जो है GPAT क्वालिफाइड कर लिया हो इस यूनिवर्सिटी से एक ही साथ, तो ऐसा रेयरली केस है कि 80% सीटें जो हैं आपकी रहती हैं। अगर मान लेते हैं कि 50% जो है बच्चों ने क्वालिफाई किया, यानी आपकी 13 सीटें भर भी जाती हैं, तब भी आपके पास 13 सीट्स हैं जिन पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और बहुत ईजिली, जिनका
जीपैट क्वालिफाइड है उनको तो आराम से हो जाएगा। तो 80% सीट्स रिजर्व हैं, वो हैव क्वालिफाइड जीपैट एंड पास्ड बी फार्मा एग्जामिनेशन फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और जो आप देख रहे हैं कि अगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं वहाँ पर, तो उसके बाद जो है जीपैट क्वालिफाइड जो किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से हैं कंट्री में, और उनके बाद जो है नॉन जीपैट वाले जिन्होंने जो है एंट्रेंस निकाला है, जो इस यूनिवर्सिटी जो ये एंट्रेंस कंडक्ट पीछे कराएगी जिन्होंने वो निकाला है, तो वो उनके लिए 26 सीट में से एससी एसटी के लिए 7 सीट रिजर्व हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर एससी एसटी को बहुत आपका फ़ायदा मिलने वाला है। 7 सीटें रिजर्व हैं, बीसी कैटेगरी के लिए 3 हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, अदर्स में 2 हैं। अदर्स ये 2 आई थिंक जो है आर्मी पर्सनल और जो है कश्मीरी में अगर कोई स्टूडेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह जो रहता है, मेनली आर्मी वालों के लिए आई थिंक जो है वो आपका रिजर्व्ड है। तो इसमें अदर्स में बहुत सारे चीज़ें काउंट होते हैं, तो वो आपका रहता है। तो 26 सीटें हैं, 26 में से आप देखेंगे 7 और 3 10 और 1 11 और तो 13 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं। तो एस सी एस टी कैंडिडेट जो भी हैं, चाहे वो इस यूनिवर्सिटी से हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, तो एटलीस्ट उनको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको जर्नल की सीट भी मिलती है तो उनको दूसरे बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, जो ब्राउचर में मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रीज़न था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि प्लेसमेंट और जो कंपनीज़ है वो यहाँ पर अच्छे आते हैं। अगर आप ब्राउचर में देखें तो इन्होंने जो है अपना एवरेज पैकेज 5 लाख का बताया। अगर आप ब्राउचर को अच्छी तरीके से एंड तक जो 200-250 पेज हैं अगर आप बिल्कुल एंड तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, जो भी आपका इवन कोविड टाइम में जो दो आप 2020-21 का जो सेशन निकला है वहाँ पर भी आपका ऑनलाइन प्लेसमेंट दिया इन्होंने। अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अगर मैं कुछ कंपनीज़ को मेंशन करूं तो TCS भी फार्मा वालों को लेती है, जो है आपका कैपेगेमी भी लेती है, इंडोसिफ्ट वहीं है, आपका मैनकाइंड है, वीवा कैम है, वरुण बेवरेजेस में भी जाते हैं, जुबलियंट बायोसिस में है, SRF लिमिटेड है, फेयर लिमिटेड है। तो ये जो है आपके ये फार्मा स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, इसलिए ये एक रीज़न था, इंटर्नशिप में भी रहता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न यही था कि यहाँ से जो है आपकी प्लेसमेंट ठीक है जो इन्होंने मेंशन किया है, और जो है एवरेज पैकेज जो ब्राउचर में मेंशन किया गया है वो 5 लाख पर एनम का है, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि कोई डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है कि कहाँ पर प्लेस हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के नाम हैं जो KPMG में जो है या फिर जोश टेक्नोलॉजी में जो कि आपके जिनका प्लेसमेंट हुआ है, तो ये ज़्यादा नाम नहीं है, तो इसलिए मैं कंफर्मेशन से नहीं बोल सकता हूँ कि 5 लाख पर एनम का पैकेज है। तो ये इन्होंने ब्राउचर में मेंशन किया हुआ है। अगर आप दूसरे इनका अगर देखते हैं, चाहे आप जलंधर देखते हैं, तो वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के नाम मेंशन है। तो जलंधर वाले कैंपस में मेनली बीटेक एमटेक है, तो वहाँ पे जो बीटेक एमटेक वालों का पैकेज है वो 3 से 4 लाख तक एवरेज है, और अगर हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट तो आपका 6 से 10 तक जो है वो गया हुआ है, जो आप हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में था। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द